The name's Bond. James Bond. रुक जाए, डायलॉग बोलन दे। मौले नु मौला ना मारे, ते मौला नहीं मरता। हौसला करें सर जी, और जब आप घर जाएंगे ना, तो थड़ेदारनी जी ने खास आपके लिए सिरी पाए बनाए होंगे। यार उसने तो आज तक मेरी मंजी के पाए ठीक नहीं किए। सिरी पाए, खैर चल इस काम में ईद तो मिलने यार। आज का अखबार पेश किया जाए। जो हुक्म आ जाए। तमाम पढ़ने वालों को ईद मुबारक, खैर मुबारक और वैलेंटाइंस डे मुबारक। ओहो, वो क्या हुआ है सर जी? क्या एहतसाब लिस्ट में नाम तो नहीं आ गया? आज वैलेंटाइन का दिन है। मगर सर आज तो जुम्मे का दिन है। यार जुम्मे का तो दिन है लेकिन 14 फरवरी है, यानी कि वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन क्या मतलब? तो फलकनाज ये होता है वैलेंटाइन्स डे, समझ आई? ओ ये तो बड़ा अजीब सा दिन है, हमारे वक्त में तो ऐसा नहीं होता था। ओहो तुम्हारे वक्त में तो ब्लो ड्रायर भी नहीं होता था। कोरा ये क्या सड़ी मारी है तुमने? सॉरी, वो जट साहब किधर हैं? हाँ वो ना गोश्त के चक्कर में बाहर गए हैं। क्या वो जॉगिंग करने गए हैं? ये जॉगिंग कहाँ से बीच में आ गई? तुमने ही तो कहा था कि वो गोश्त के चक्करों में गए हैं। ओ गॉड कोरा, मैं मौला जट के मोटापे वाले गोश्त की बात नहीं कर रहा, मैं बकरे की गोश्त की बात कर रहा हूँ। ये तुम लोग इस तरह क्यों खड़े हुए हो? तो खाला जी इस तरह नहीं तो इस तरह खड़े हो जाते। ओहो क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए हो? अरे भाई ईद का दिन है आज, निकुड़ियो नहीं चलो नहीं जाकर अच्छी सी कोई शलवार कमीजें पहनो। वो खाला जी कोरा मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, जाओ जाकर अंदर शलवार कमीज पहनो। वो खाला जी हमने मैंने वैलेंटाइन डे की तैयारियां करनी थी आज। केड़ा टाइम? खाला जी केड़ा टाइम नहीं, वैलेंटाइन डे। ये वो दिन है जब मोहब्बत करने वाले एक दूसरे को तोहफे देते हैं। ये बातें तुम्हें किसने बताई हैं? वो खाला जी पप्पी और कोरा जी ने। अच्छा तो ये भला बातें हैं बताने वाली कि तुम इस कुड़ी को वैलेंटाइन्स के बारे में बता रहे हो? हैं? वो हम तो का बच्चा। चलो नहीं चल तू अंदर, चल चल के अंदर काम करना शुरू कर चल। और फलकनाज चल तू भी अंदर, चल जल्दी से। बताया वैलेंटाइन्स। हेलो हेलो, इन्हें क्या हुआ? होना क्या है, खाला जी का मूड ऑफ हो गया है। क्यों? वो मैं और कोरा फलकनाज को वैलेंटाइन डे के बारे में बता रहे थे कि खाला जी आ गई और उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और कह रही थी कि ईद के कपड़े पहनो। भाई ईद तो फिर ईद है ना, और वैलेंटाइन तो वैलेंटाइन, आज वैलेंटाइन डे है। हाँ आज 14 फरवरी जो है। अमेजिंग, मेरा तो ख्याल ही नहीं था। हाँ भाई मगर उसे ख्याल आया कैसे? वो जनाब दिमाग से। चुप करो, ऐसे मालिक वैसे ही लोग हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आई कि उस सूदे के बच्चे को अपने चचा से ईद मिलने का ख्याल आया कैसे, और वो भी मुझसे पूछे बगैर। ओ नहीं सर, दरअसल वो काफी जल्दी में लग रहे थे, तो बस इतना ही कहकर चले गए कि जैसी डॉक्टर ही बुलाएं तो उनसे कह देना कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हाँ भाई मगर ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि उसे जाना पड़ा। लेकिन मिस डोनट आपने सुधा साहब से क्या कहा, वो तो चले ही गए। सेक्रेटरी साहब मेरे पास सुधा साहब की बात का इससे अच्छा कोई जवाब नहीं था। किस बात का? यही कि वो मुझे पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं गेस करूं आपने बात का क्या जवाब दिया? क्या आपने कहा? सुधा साहब मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त समझती हूँ। आपको कैसे पता चला? आप जैसी लड़की सुधा साहब को और क्या जवाब दे सकती थी? क्या मैंने बहुत बुरा किया है? नहीं नहीं आपने 100% सही किया। बैठे तो मिस डोनट, मैं बहुत अरसे से आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता था। जरूरी बात? दरअसल मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या? नहीं नहीं वो वाली मोहब्बत नहीं जो सुधा साहब को हुई है, मेरी कंप्लीटली डिफरेंट है।
और इस डिफरेंस का इजहार करने के लिए वैलेंटाइंस डे पे मैंने आपके लिए रोजेज लिए हैं। रोजेज? तो क्या ख्याल है आपका? यही के यही कि मेरे पास भी आपके लिए वही जवाब है जो सुधा साहब के लिए था। यानी के? यानी के आप मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। नहीं। ओए माँ, ओए तू कितनी फनी है। ओए एक वैलेंटाइन ही तो है। मैंने कब कहा है कि टू वैलेंटाइन होते हैं, मगर पुत्री ईद बहुत जरूरी है। ओहो माँ, तो मैं कब कह रहा हूँ ईद जरूरी नहीं है। ओ ये देख, इसलिए तो तेरे लिए गर्मा गर्म निहारी लाया हूँ, वो भी ईद स्पेशल। अरे वाह, तू तो निहारी लेकर आया। हाय, मैं सत के जाऊँ मेरे फुटबॉल के मुंह वाले चांद। ओए माँ, हाँ खैर तुझे तो मना लिया है, वो मुझे बता कि कोरा किधर है? वो उधर बाग में ना नाराज होके बैठी हुई है। है? नाराज? वे तू क्यों पूछ रहा है? ओ माँ, मैंने कहा मैंने तुझे तो मना लिए, तो उसको भी मना लूं। हाय अल्लाह जी, किस कदर समझदार हो गया मेरा चांद। आखिर माँ पुत्र किसका हूँ। हाँ ये तो है। अच्छा मेरी बात सुन, तू जाकर उधर कोरा को मना कर ला, इतनी देर में ना मैं निहारी लगाती हूँ। माँ मैं बस यूं गया, यूं आया। हेलो कोरा बीबी। हेलो। वो हो जी, वो कहते हैं ना कि जी बैड कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? ओ हो जी, इतना अच्छा जोड़ा ते एड़ा पैड़ा मूड। वैसे आप मुझे आज इतनी लिफ्ट क्यों करा रहे हैं? ओ जी, मैं दानसमी का गाना थोड़ी सी तो लिफ्ट करा टीवी पे सुन के आ रहा हूँ। बैड जोक। वो कोरा बीबी, वो दरअसल में आज ईद है ना, और उसके साथ साथ आज आज क्या? वो जी आज वैलेंटाइंस डे भी तो है। आपको वैलेंटाइंस डे का पता है? ओ हाँ जी ऑफ कोर्स, आखिरकार आई एम 21st सेंचुरी मौला जट। एनीवेज वैलेंटाइंस डे होने से फर्क क्या पड़ता है? ओ जी बहुत फर्क पड़ता है। ओ जी देखिए, मैं आपके लिए ईद और वैलेंटाइन डे का 2-in-1 गिफ्ट लेके आया हूं। मेरे लिए तोहफा? जट साहब, आर यू फीलिंग ओके? ओहो हां जी, आई एम ओके, टोके शोके एवरीथिंग। वैसे आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? मेरे ख्याल से कोरा बीबी, आपके इस मेरे ख्याल से ही ने तो सब कुछ बदल दिया। जैसा कि जैसा कि मेरा डाइट प्लान। व्हाट? ओहो जी, मेरा मतलब है मेरा लाइफ प्लान। कोरा बीबी, जो मैंने कहा आप भूल जाएं। मगर आप एमिली को? मैं एमिली को एक हसीन ख्वाब की तरह भुला चुका हूँ। और मैं? आप हकीकत हैं। कोरा बीबी, मैं ये जान गया हूँ कि अपने ख्वाबों को जिंदा रखने के लिए आंखें बंद करके जीना पड़ता है, मगर मैं आंखें खोल के जीना चाहता हूँ। मतलब? मतलब ये, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो ये मुश्किल डायलॉग बोलने से आपकी पहले मौत आती थी? वो कोरा बीबी, थोड़ी सी याद करने में प्रॉब्लम हो गई थी। तो अपनी याददाश्त जाके ठीक कराएं। मगर कोरा बीबी, वो मैं और आप, वो गाने शाने मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए गाती थी। और रही बात मेरी और आपकी, नहीं कोरा बीबी, वो आज वैलेंटाइंस डे, मैं आपके लिए चूड़ियां लेके आया हूँ। लगता है इनके लिए एक वैलेंटाइंस।
सेठी 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 ओ गजब खुदा का, वो एक पूरे दिन में तू एक जोड़ा भी नहीं पकड़ सका। और सर इसमें मेरा क्या कसूर है, आपके सामने तो इतने पार्कों में छापा मारा है, अब वो जब से निगोड़ मारी मोटर में बढ़ी है, लड़के लड़कियों ने पार्कों में मिलना ही बंद कर दिया है। यार सेठी तुम तो बस ना। सर एक बात बताएं, क्या आप मजूम जोड़ों को वैलेंटाइन के दिन क्यों पकड़ना चाहते हैं? क्योंकि ये तो हमारा मंजूर है बलो, न खेडांगे न खेडन देंगे। वाह सर जी वाह, क्या जज्बा है आपका। हेलो ऐसे तो शकील बट स्पीकिंग। आज इकबाल साहब क्या हाल है आपके, और जी कैसी जा रही है आपकी फिल्म की शूटिंग, और जी कभी हमें भी कुछ चांस चांस दे दें। ओ, नहीं जी फिल्म में नहीं, आपसे मुलाकात का। ओ आपने तो आज आना था, क्या कुछ दिन और लगेंगे? चले जी जैसे आपकी मर्जी, हाँ जी मेरी तरक्की कुछ दिन और इंतजार कर लेगी। ठीक है जी। क्या हुआ है सर जी? वो एक आइडिया आया था अपनी तरक्की हासिल करने का, वो भी गया। सेठी मुझे आज के दिन एक बंदा चाहिए जो कि वैलेंटाइन के दिन डेट मार रहा हूं। पर सर। ओ, पर नहीं, ये मेरा ऑर्डर है, अगर तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक बंदा अंदर चाहिए जिसको दिखाकर मैं अफसरों के आगे अपनी कारकर्दगी दिखा सकूं। मगर सर मैं, ओ, मैं गुस्से में हूं, बहुत गुस्से में हूं। क्या मुसीबत है सेक्रेटरी, तू भी इतने सुरदा क्यों बैठे, और वो भी वैलेंटाइन वाले दिन। बस सर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हूं। थोड़ा सा डिप्रेस? तू तो अच्छे भले डिप्रेस लग रहे हो भाई, क्या बात है बताओ ना। सर मत पूछे। पूछे आप तो पूछ लिए इसलिए जवाब दे रहे हो। सर वो ना एक लड़की ना। ए, लड़की? ओ, तो लंबा सा चक्कर है। अच्छा मुझे पूरी तरह मत सुनो। क्या बताना, उसने तो मुझे दोस्त बना लिया। ओहो, यानी कि फ्रेंडशिप वाली लाइन पे बिजी। क्या सर? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। हाँ सर लेकिन हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? दोस्त होता है सबके साथ इसी तरह होता है। तुम वैसे बहुत सैड लग रहे हो, यूं करो तुम जाके सो जाओ। ओके सर। हाँ, और उतनी देर में बैठ के ना अपना परफेक्ट वैलेंटाइन वाला प्लान। क्या सर? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम यूं करो तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। हाँ सर आप जाएं और मुझे अपनी तन्हाई में अकेला छोड़ दें। दुनिया में अकेला रहने का कोई फायदा नहीं है। हाँ इसलिए तो हम अपने अब्बा अम्मा के साथ रहते हैं। नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मैं अकेला रह रहे के थक गया, मैं चाहता हूँ कि अब मेरा घर बस जाए। आप शादी करना चाहते हैं? यानी कि आप बात समझ गई, और वो भी किससे? मुझसे। यानी कि मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? हाँ। नहीं नहीं नहीं, क्या था मेरे साथ तो मिस डोनट ने इतनी बुरी की, और डॉक्टर साहब से इतनी आसानी से मान गई। ओह ये तो ख्वाब था। ओह लेकिन मुझे इतने बुरे ख्वाब क्यों आ रहे हैं? मैं अपना हाल किसके साथ शेयर करूं? एक बंदा है। नंबर क्या है? हेलो हेलो कौन है भाई? सुगा साहब मैं बोल रहा हूँ, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसका सेक्रेटरी? वर्ल्ड बैंक का या आईएमएफ का? सुधा साहब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के तो आपके स्पेलिंग भी नहीं आते, फोन कहाँ से आएंगे वहाँ? यार बिस्ती कर दी है भाई, कौन है? सुधा साहब मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर ईवल का सेक्रेटरी, पास सेक्रेटरी। पास सेक्रेटरी, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? बस आपके स्पेशल गार्ड ने दे दिया था मुझे। मेरा बंदा भी निरा पाकिस्तानी निकला है। खैर यार तुम्हें तो नंबर मिल गया, डॉक्टर ईवल साहब को ना दे देना। आप फिक्र ना करें जी, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, बड़े गमजदा लग रहे हो, क्या हुआ है? खैर ही तो नहीं है सुधा साहब। क्यों हुआ क्या है?
फलकनास, तुम्हें फूल पसंद है या चॉकलेट्स? घबराओ नहीं, मैं कुछ भी नहीं लाया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे चॉकलेट्स भी हैं। बॉन्ड 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओहो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो पप्पी साहब, ये देखें, बॉन्ड मेरे लिए फूल और ये चॉकलेट्स। हाँ, चॉकलेट्स लेकर आए हैं। नहीं मगर बॉन्ड, ये तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी मैडम सी ने तुम्हें भेजी थी। है? तो कौन सी? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं खा गया। नहीं बॉन्ड, मुझे तो ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। नहीं 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 पप्पी, देखो तुम्हें गलत फहमी हुए, क्यों मेरा खर्चा करवाएगा ये पप्पी? ये बॉन्ड नहीं है। पप्पी साहब आप छोड़े, आप चॉकलेट्स खाएं। ओ बॉन्ड, वैसे वो मैडम सी का फोन आया था और वो कह रही थी कि ये चॉकलेट्स खाना बंद करो। नहीं नहीं, वो कह रही है कि डॉक्टर ईवल के साथ ना WWF वाले एक स्पेशल मीटिंग करने लगे हैं और वो फिलहाल पैसे नहीं दे रहे। क्या मतलब? वो डॉक्टर ईवल को पैसे देने से पहले उससे कुछ और करवाने लगे हैं। क्या? ये अभी मैडम पता करवा रही हैं। क्या मतलब? अभी तुम्हें बताया, तुम्हें समझ नहीं आ रही? समझ भी आ जाएगी, मगर तुम ये चॉकलेट्स खाना बंद करो। मेरे ख्याल में गाना बंद हो गया। अच्छा भाई, तुम यूं करो, अब ये चाय छोड़ो और जाके मिठाई लेकर आओ। हैं? वो क्यों? वो ना इसलिए क्योंकि मैंने ना फैसला कर लिया कि आज मैं अपने दिल की बात कर लूंगा। हैं? किस सिलसिले में भाई? अच्छा तुम यूं करो, इस पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, तो ये पढ़ लेना। लेकिन अभी ना पढ़ना, शर्म आती है मुझे, रास्ते में पढ़ना। अच्छा जाओ। ओके सर। जी जी मिस डोनट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर कहिए ना जो आपने कहना था। वो ना दरअसल आज आज वैलेंटाइंस डे है। मुझे पता है। अच्छा गुड गुड। तो वो ना यूं, मैं ना तो डॉक्टर साहब ने क्या बताना था जो कागज पे लिख दिया? बोले भी। हाँ हाँ वही ना, तो आपको मैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो आपको सितारे नजर आ रहे हैं? सितारे तो नजर आ रहे हैं, मगर रात का वक्त है ना, रात को तो सितारे ही नजर आएंगे, सूरज तो नजर आने से रहा। हाँ ये तो नहीं, मेरा मतलब ये था कि असल में। ओ नो, रुक जाए डॉक्टर साहब। मैं और आप, नहीं मेरा मतलब है कि दरअसल आपको क्या? और आप, और देखिए ना, दरअसल वो ना आपको, दरअसल असल में मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मगर मैं तो हमेशा आपको एक अच्छा दोस्त समझती रही हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि तुम एक फकीर हो और तुमने चार दिनों से रोटी का मुंह नहीं देखा, लेकिन फिर भी बताओ कि तुम कौन हो? बस जनाबे अली, मैं एक उबाश नौजवान हूँ जो वैलेंटाइन के दिन पुजारों चलाते हुए डेढ़ मार रहा है। यार यार मैं वही हूँ यार, यार मेरा यकीन करो, मैं वही हूँ। 1 2 3 पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। I'm done.